जय श्री राम आप सभी को। आज बिरगांव नगर निगम में 200-300 से भी ज्यादा की संख्या में लोग आए हैं, जो कि एक पुस्तक बांट रहे हैं, गीता। दिखाओ भैया उनका, गीता दिखाना, गीता 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 वाला दिखाओ तो भैया, हो रहा गीता रहा। हाँ, ये गीता है, पूरा हूबहू गीता के रूप में गीता लिख करके लोगों में बेचा जा रहा था, 20-30 रुपए अलग अलग रेट में पूरे बिरगांव नगर निगम में घूम घूम कर। और जब पकड़े तो उसको फ्री में दे रहे थे। और दूसरा चीज इसमें लिखा क्या है वो देखिए, देवी देवताओं व तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव की पूजा करना तथा भूत पूजा पितर पूजा श्राद्ध निकालना मूर्खों की साधना है, ये गीता में लिखा है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भकलोल डॉक्स में। आज हम बात करेंगे कि अभी कुछ जो धर्म परिवर्तन कराते थे वो गैंग का अभी दूसरा काम स्टार्ट हो गया है, वो अभी सनातन धर्म को किस प्रकार से बदनाम करना है, वो एक नया अभी अपना मॉडल्स ऑपरेंडिस चेंज कर दिए हैं। पहले क्या बच्चों को धर्म परिवर्तन किया, फिर लव जिहाद आया, इस प्रकार से पहले लालच देके करते थे, फिर लव जिहाद आया। तो अभी बहुत ज़्यादा हिंदू जागृत हो गए हैं, तो उसको अभी कैसे अपने पद भ्रष्ट किया जाए, इस प्रकार से साजिश चल रही है। कुछ गैंग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, जैसे गीता में कुछ अपने शब्द डालकर उसको ऐसा प्रिंटिंग करवाई जा रही है, उसमें गलतियां छाप रही हैं ताकि लोग अपने इसको पढ़े और अपने धर्म से इस प्रकार की घृणा करने लगे, ताकि मतलब हमारे धर्म में क्या लिखा है, इस प्रकार की बातें लिखी है। तो इस प्रकार से ये आपके जड़ पे वार किया जा रहा है। आपकी धर्म धार्मिक पुस्तकें जिससे आपकी पहचान है, उन पे शब्दों का हेर फेर करके इस प्रकार से पुस्तक छापी जा रही है और लोगों के द्वारा उसको बेचा जा रहा है, ताकि लोग इससे पढ़े और अपने धर्म के प्रति खुद के मन में घृणा एक आ जाए कि हमारे धर्म कैसे मानसिकता से बना है और कैसे इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। इस प्रकार के आपके मन में घृणा पैदा करने का ये प्रयास किया जा रहा है, जो कि सनातनी है, जो उसको तो बहुत पहले से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी एक नया पैटर्न सामने आया, ये उनके पुस्तकों में कुछ अपने शब्द घुसेड़ कर एक उस पुस्तक को अपने हिसाब से मॉडरेट करके एक चेंज करके उसके शब्दों में, और ये इस प्रकार से प्रिंट करवा के लोगों को बांट रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं मार्केट में घूम घूम कर। और इसलिए हमारा ये वीडियो बनाने का माध्यम यह है कि हम आपको सिर्फ इस चीज़ों से जागरूक करना चाहते हैं कि आप ऐसे किसी से भी ऐसी धार्मिक पुस्तकें ना खरीदें जो कि आपके परिचित ना हो, जाकि या तो उस दुकान का बहुत ज़्यादा नाम ना हो। आप ऐसे दुकानों से खरीदें जिसको आप जानते हैं, जिसको आप परिचित हैं कि ये हिंदू ही है, इस प्रकार की हरकतें नहीं करेगा। तो वैसे ही से आप ऐसे धार्मिक पुस्तक का क्रय करें, खरीदें, उन्हीं से खरीदें। और हो सके तो ये एक हमारे अंकुर आचार्य अंकुर आर्या का एक चैनल है सत्य सनातन बोल के, वहाँ सनातन हार्ट बोल के एक उनका वो है, वेबसाइट है, आप उसमें अगर पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो वहाँ लॉगिन करके आप पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको ऑथेंटिक मिलेगी। आप एक बार उनके चैनल में विजिट करके उनको उनके डिस्क्रिप्शन में जाके भी वो बुक के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपको लेना है तो ऐसे ऑथेंटिक लोगों से ले सकते हैं जो प्रमाणित है। और ऐसे अन्य किसी भी जो रोड पे सड़क पे जो बेचते हुए फिर रहे हैं उनसे बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि ये अपनी घृणित मानसिकता उसमें उल्टी करके वो लोगों को परोस रहे हैं, जो ऐसा कुछ नहीं कर पाए सनातन को बदनाम करने के लिए, तो इस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस वीडियो को देखिए, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर की घटना है। जय श्री राम आप सभी को। आज बिरगांव नगर निगम में 200-300 से भी ज्यादा की संख्या में लोग आए हैं, जो कि एक पुस्तक बांट रहे हैं, गीता।
दिखाओ भैया उनका गीता दिखाना, गीता 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 वाला दिखाओ तो भैया, वो रहा गीता रहा। हाँ ये गीता है, पूरा हूबहू गीता के रूप में गीता लिख करके लोगों में बेचा जा रहा था 20 रुपए 30 रुपए अलग अलग रेट में पूरे बिरगांव नगर निगम में घूम घूम कर, और जब पकड़े तो इसको फ्री में दे रहे थे। और दूसरा चीज इसमें लिखा क्या है वो देखिए, देवी देवताओं व तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव की पूजा करना तथा भूत पूजा पितर पूजा श्राद्ध निकालना मूर्खों की साधना है, ये गीता में लिखा है ऐसा इनका कहना है, इस पुस्तक में ये लिखा है। अच्छा वो दूसरा चीज आप देखिए, मैं आपको ये कैमरे से दिखा दूं, कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई, नारी कुतिया है ये गीता में लिखा है। मतलब इन्होंने गीता गीता बोल करके कि हम गीता बेच रहे हैं, गीता के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है इस प्रकार की पुस्तकें ये बेच रहे हैं हिंदू धर्म को बदनाम करने की, और हिंदू धर्म को एक झूठा धर्म और घृणित करने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। पूरे बिरगांव नगर निगम में ये उतरे हुए हैं आज, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, जब मैं इनसे पूछा तो इनको नहीं पता है। आप जो कि वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से घृणित मानसिकता के साथ ये कार्य किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी जानकारी युक्त लगी हो तो ये वीडियो को देखकर आप आगे शेयर अवश्य करें, ताकि और भी लोग ऐसे भ्रमित ना हो और ऑथेंटिक चीज़ें खरीदें, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं जो भी हमारे सनातन से रिलेटेड है वो एक ऑथेंटिक जगह से खरीदें, ऐसे चोर चुहाड़ लोग से ना खरीदें, जो ऐसे घृणित मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उनसे ना खरीदें। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कभी भी ऐसा कुछ वीडियो आए तो आप मिस ना कर पाए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।